आज वाराणसी में सुधा वेमेंस केयर क्लिनिक जलीलपुर रेलवे पुल के पास रामनगर रोड पंडाव चंदूली का भव्य उद्घाटन दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरु के हाथों संपन्न करवाया गया। इस क्लिनिक का उद्घाटन के समय डॉक्टर श्वेता पांडे मौके पर मौजूद रही। सभी कई अन्य बीमारियों का यहां पर इलाज किया जाता है। उद्घाटन के समय मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अमित तिवारी, डॉक्टर अजय तिवारी, मनोचिकित्सा डॉक्टर वेद प्रकाश, वहीं ओपी सिंह सहित कई अन्य डॉक्टर मौके पर मौजूद रहे। प्राइम बिगे न्यूज चैनल के लिए रोहित सेठ, वाराणसी। मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता पांडे, मैं इसकी डोमेन से हूँ। आज ये जो क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? यहाँ पर जितनी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि सभी लोग यहाँ पे मौजूद है, आ रहे हैं, तो यहाँ पे जितनी भी स्त्रियों से रिलेटेड बीमारियाँ हैं सभी का इलाज यहाँ पर होता है। जैसे कि पीरियड्स का नहीं आना, पीरियड का जल्दी आना, पीरियड का रुक रुक कर आना, और योनि से संबंधित इन्फेक्शन, यूफोरिया, बांझपन से रिलेटेड भी जितनी बीमारियाँ हैं है ना, उसका भी इलाज यहाँ पर हो सकता है। मुख्य अतिथि कौन है आपके यहाँ जो उद्घाटन के लिए ले आ रहे हैं? डॉक्टर दयाशंकर मिश्र है, दयालु राजमंत्री है। ये कहाँ पर आपका क्लिनिक खुला हुआ है, किस जगह पर स्थित है? ये हमारा क्लिनिक पड़ाव जलीलपुर रेलवे ब्रिज के पास जो है खुला हुआ है। क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे इस क्लिनिक के उद्घाटन को लेकर के? क्षेत्रवासियों से ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग आइए यहाँ पर, जो है किसी भी तरह के जो औरतों से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उसका इलाज यहाँ पे पॉसिबल है। आप एक बार आइए, आप यहाँ पे विजिट करिए और जो है उनका इलाज करवाइए, आप इलाज से संतुष्ट होंगे, इस बात की जिम्मेदारी है हमारी। डॉक्टर, ये पहली क्लिनिक है आपकी या इसके पहले भी आपकी क्लिनिक कहीं खुली हुई? नहीं, ये हमारी पहली क्लिनिक है, अभी तक मैं हॉस्पिटल में काम कर रही थी। वुमेंस केयर क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे इसको? बस बनारस के सटे हुए पड़ाव इलाके में आज इस हॉस्पिटल क्लिनिक का सुधा सर्जिकल वुमेंस केयर क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। यह क्षेत्र बनारस का से जुड़ा हुआ बहुत करीब शहर के करीब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत इलाका ऐसा है जहाँ बहुत कॉलोनियाँ बस चुकी हैं। ये पूरा गांव हुआ करता था, अब ये शहर में परिवर्तित हो गया है। इस इलाके में इलाज की सुविधाओं का अभाव था, उसी को पूरा करने के लिए डॉक्टर श्वेता पांडे ने इस इलाके में एक अस्पताल खोला है। आज उसी के कार्यक्रम में यहाँ हम सब लोग शामिल हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर श्वेता पांडे के लिए जो उन्होंने पहल की है? निश्चित ही डॉक्टर की उपयोगिता शहरों की तुलना से ज़्यादा गाँव में उपयोगिता उनकी है। ऐसे इलाके जो थोड़े पिछड़े इलाके हों, जहाँ साधन का अभाव हो, जहाँ तो लोगों को शहर जाने में, दूर जाने में समय लगता है, तो अगर ऐसे लोगों के बीच में आप कह सकते हो कि गांव में या ऐसे पिछड़े इलाकों में लोगों को इलाज की अच्छी सुविधा मिले, अच्छे डॉक्टर रहें, तो उसका फ़ायदा समाज को मिलेगा। तो इनके आने से इस क्षेत्र की महिलाओं को, जिनको भी भटकना पड़ता है, इधर उधर दूर जाना पड़ता है, उन सबको निश्चित ही काफ़ी फायदा पहुँचेगा।